हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी रुसेफ। दिस इज नीट स्पेशल बायोलॉजी क्लास, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस टॉपिक को कंप्लीट किया था और देखा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, और एनिमल किंगडम में भी हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं नीट एग्जाम में आने के, जिनके चांसेस हैं, उन सबको हम फोकस करते हुए इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जो इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं वो इसे एज ए रिविजन वीडियो कंसिडर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं पढ़े अभी तक, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो एक बार इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझ पाएंगे इसके कॉन्सेप्ट को, और साथ में अगर दो बार देख लेते हैं इस वीडियो को तो उन्हें अच्छी तरह से याद हो जाएगा हर एक पॉइंट, और फिर वो एग्जाम में इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन जो कि 13 तारीख को होने वाली है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम जो है, यानी जो एनिमल्स हैं हमारे, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। मतलब कहने का ये है कि उनका जो स्ट्रक्चर, उनके जो फॉर्म्स हैं, उनकी जो स्पीशीज हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो एनिमल्स के वो प्रेजेंट हैं। तो इसलिए एनिमल्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्स, मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स वो सभी सी के अंदर पाए जाते हैं, उनसे कम फ्रेश वाटर में और उनसे भी कम लैंड में पाए जाते हैं। यानी कि लैंड पे पाने वाले एनिमल्स जो हैं, प्रेजेंट होने वाले अवेलेबल जो एनिमल्स हैं, वो सबसे कम होते हैं। तो फिर हम सोच सकते हैं कि हमें इतने सारे एनिमल्स लैंड पे दिखते हैं, उनके कंपैरिजन में वाटर में ज़्यादा और सी में तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो जगह जगह पे हमारे एनिमल्स की प्रेजेंट है, और डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल का, ताकि हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके हर एक कैटेगरी के, हर एक स्पीशीज के एनिमल्स को, कि उनका क्या फीचर है, उनका क्या बॉडी फंक्शन है, इसको हम एनालाइज कर सके। लगभग 90% जो एनिमल्स हैं हमारे वो क्या है, इनवर्टिब्रेट है, और बाकी जो बच गए 10% वही हमारे वर्टिब्रेट है। एनिमल के जो सेल्स होते हैं उनके भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, फंक्शंस डिफरेंट होंगे, क्योंकि स्पीशीज भी तो मिलियंस हैं, तो उस हिसाब से सेल्स के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, फंक्शन भी डिफरेंट है। तो एनिमल सेल जो है वो भी क्या करती है, डाइवर्सिटी शो करती है। तो इसलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। प्लांट्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया ताकि स्टडी करने में हेल्पफुल हो और ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो सके। क्लासिफिकेशन करने के लिए एक साइंटिस्ट लोग जब क्लासिफिकेशन किए तो कुछ बेसिस को भी रखें, कि मतलब किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किस बेसिस पे एनिमल्स को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। तो यहाँ पे उन्हीं कुछ फीचर्स के बारे में दिया गया है। सारे फीचर्स तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ दिया गया है, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनका जो बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या होगा, मतलब सेलुलर लेवल लेवल है, टिश्यू लेवल है, या फिर ऑर्गन लेवल है, तो इस पे डिसाइड किया गया। फिर बॉडी के प्लान पे डिसाइड किया कि उनका बॉडी प्लान जो है वो कैसा होगा, बॉडी की सिमेट्री कैसी होगी, मतलब कि अगर उनका डाइसेक्शन किया जाए तो किस तरह से हमें उनके बॉडी पार्ट्स देखने को मिलेंगे, इसके बेसिस पे किया गया। फिर जर्म लेयर्स जो उनके में प्रेजेंट है, हम जानते हैं कि 3 एम्ब्रियोनिक जर्म्स लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उनके बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया। फिर नेचर ऑफ सिलोम, बॉडी में जो कैविटी देखने को मिलती है उस कैविटी के अकॉर्डिंग भी इनमें डिवीजन की गई। फिर बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं है, है तो फिर कैसा है, तो इसके बेसिस पे किया गया। फिर ऑर्गन सिस्टम का पैटर्न, कहने का मतलब है कि ऑर्गन है, सिस्टम है, तो फिर वो कैसा है, उसमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्लासिफिकेशन किया। इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल्स का, तो एनिमल्स को क्लासीफाई करके टोटल 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया, जिनमें पहला फाइलम हमारा है पॉरीफेरा, दूसरा है हमारा सिलेंट्रेटा, तीसरा है टीनोफोडा, फिर देन प्लैटीहेलमिंथिस, देन एस्कल हेलमिंथिस, फिर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट वन इज कॉर्डेटा, और इसी कॉर्डेटा कैटेगरी में हम ह्यूमंस आ जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 11 फाइलम्स में एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। तो वन बाय वन यहाँ पे हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिस है, पहले इनके कंसेप्ट को देखेंगे, किस तरह से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया एनिमल्स को, इनके बेसिस पे इसे अंडरस्टैंड करेंगे। फिर देन वी विल मूव ऑन द फाइलम्स, वन बाय वन हम फाइलम के बारे में डिस्कस करते चलेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स को भी देखते चलेंगे।
अगर हम एनिमल्स की बात करें उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी क्या होते हैं, मैक्सिमम मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि उनका जो बॉडी का जो फंक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेम पैटर्न सभी का नहीं होता है। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला लेवल है हमारा सेलुलर लेवल, दूसरा है हमारा टिश्यू लेवल, एंड थर्ड वन इज ऑर्गन लेवल। तो सेलुलर लेवल की हम अगर बात करें तो सेलुलर लेवल में हमारा जो पहला फाइलम है वो आ जाता है, जिसमें हम ऐसे एनिमल्स को रखे हैं जो कि पॉरीफेरा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पॉरीफेरा कैटेगरी में हम सेलुलर लेवल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉरीफेरा कैटेगरी में हम सेलुलर लेवल जिनका ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे एनिमल को इसमें हम क्लासिफाई किए हैं। सेलुलर लेवल जैसे कि पॉलीफेरा के एग्जांपल, जिन्हें हम पॉलीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, इनमें क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एज ए लूज सेल एग्रीगेट्स। लूज सेल की तरह यहाँ पे सेल्स अरेंज होते हैं, और यही जो यहाँ पे फंक्शन शो करते हैं बॉडी का। तो ये जो लेवल है सेलुलर लेवल, ये क्या है हमारा लोएस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अगर पूछा जाता है कि लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वहाँ पे फिर सेलुलर लेवल आएगा, और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, फाइलम पॉरीफेरा। और फाइलम पॉरीफेरा में हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, स्पॉन्जेस वगैरह, वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हम आते हैं टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल किसे बोलते हैं, टिश्यू लेवल हम तब बोलते हैं जब सेल्स जितने भी परफॉर्म करते हैं फंक्शन, वो सभी अरेंज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू लेवल पे फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो गया ऑर्गेनिजम्स में, तो उन्हें हम टिश्यू लेवल बोलते हैं। टिश्यू लेवल में हमारे दो फाइलम इंक्लूडेड है, यानी कि इन दो फाइलम्स में एनिमल को कैटेगराइज किया गया है टिश्यू लेवल में। एक है सेलेंट्रेटा, सेकेंड फाइलम, एंड थर्ड वन इज टीनोफोरा। और फिर अगर हम बात करें ऑर्गन लेवल की, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यू बना है, टिश्यू एग्रीगेट्स होकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो यहाँ पे बॉडी फंक्शन को शो करता है। तो इसमें हम बाकी जितने भी फाइलम बच गए हमारे, ये तीनों फाइलम के अलावा, वो सभी फाइलम्स को हम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किए हैं, जैसे कि प्लैटी हेलमिन्थेस हो गए, फिर उसके बाद एस्केल हेलमिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इन सभी फाइलम्स को क्या किया गया है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पूछा जाता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो ऑर्गन लेवल। और अगर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, कुछ एक एग्जाम्पल स्पॉन्ज का, फिर एक एग्जाम्पल सेलेंट्रेटा से, एक टीनोफोरा से, और उसके बाद इन सभी फाइलम जो कि ऑर्गन लेवल में, इन सभी में से इन सभी फाइलम्स के किसी एक एग्जाम्पल को आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। इस तरह से चार ऑप्शन तैयार किए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। तो फिर जो हमारे इन सभी फाइलम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन्हें हम वहाँ पे टिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से एनिमल है जो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, स्पॉन्ज आपका एक ऑप्शन होगा, बाकी इन सब में से दिए जाएंगे, तो स्पॉन्ज क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम बात करते हैं बॉडी की सिमेट्री की। अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें, तो बॉडी सिमेट्री होती क्या है, तो बॉडी सिमेट्री इज द सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स इन डिफरेंट रीजंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनका सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस करता है, जो कि डिफरेंट रीजन और डायरेक्शन में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो उनके बेसिस पे यहाँ पे थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है एनिमल्स को। एक है एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल सिमेट्री, तीसरा है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। तो एसिमेट्रिकल सिमेट्री हम उसे बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है कि एनिमल जो है वो किसी भी दो इक्विवेलेंट हाफ में, किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। मतलब कि कोई अगर एनिमल है, मान लीजिए ये एनिमल है, इसे हम किसी भी प्लेन में डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड करें, किसी भी तरह से हम इन्हें अगर डिवाइड करते हैं, तो ये जो एनिमल है जो डिवीजन करेंगे हम, तो दो हाफ बनेगा, यानी तो वो दो हाफ कभी भी इक्विवेलेंट एक जैसा नहीं होगा किसी भी प्लेन में। तो जब किसी भी प्लेन में एनिमल दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, तो वो ऐसे एनिमल एसिमेट्रिकल कहलाएंगे। तो उनमें बस हमारा एक ही फाइलम इंक्लूड है, वो है हमारा पॉरीफेरा। तो यहाँ भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ज्यादा चांसेस है कि आपको पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा एटसेट्रा जितने भी फाइलम्स हैं, फाइलम्स के नाम कम देखने को मिलेंगे, इनके एग्जांपल्स को आपको ऑप्शन में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एसिमेट्रिकल कौन से शो करते हैं, तो रेडियल कौन से शो करते हैं, बाइलेटरल कौन से शो करते हैं। तो अभी जब मैं आगे फाइलम के बारे में डिस्कस करूंगी, तो वहाँ पे जितने भी फाइलम की जो जो एग्जाम्पल हैं उन्हें आपको याद रखना है, क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे।
और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि फाइलम का नाम भी डायरेक्ट दे दिया जाए। फाइलम का नाम अगर डायरेक्ट दे दिया गया तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और अगर एग्जाम्पल है तो आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल जिन्हें अगर किसी भी सेंट्रल एक्सिस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, जिससे रेडियल सिमेट्री यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो इसमें हम एनिमल को किसी भी एक्सिस से मतलब सेंट्रली डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है कि दो आइडेंटिकल हाफ में जो है वो एनिमल क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो इस तरह से जब डिवीजन शो होता है तो हमें यानी कि किसी भी लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में अगर हम डिवाइड करते हैं इसे और दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो क्या होगा कि एनिमल जो है वो हमारा रेडियल सिमेट्री फॉलो कर रहा है। तो इनमें हमारे पॉरीफेरा के बाद के तीन फाइलम्स को इंक्लूड किया गया है, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा एंड काइनोडर्मेटा। तो इनके जो एनिमल्स है वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। इससे क्वेश्चन आ भी चुके हैं और क्वेश्चन आने के चांसेस भी अभी भी बनते हैं सिमेट्री से। फिर हमारा बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री में कहा गया है कि अगर हम डिवाइड करते हैं एनिमल्स को किसी भी एक प्लेन में ही वो शो करेंगे आइडेंटिकल दोनों हाफ डिवीजन। मतलब कि अगर डिवाइड करें तो दो पार्ट जो बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे बिल्कुल। ये हमारा सेगिटल प्लेन, जैसे यहाँ दिखाया गया डायग्राम में, इस तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं एनिमल को और ये जो दो हाफ बन रहे हैं ये दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसे हैं। आप देख सकते हैं जितने इधर प्रेजेंट है सभी उतने ही इधर सब कुछ प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इनमें हमारे लास्ट के जितने भी फाइलम से काइनोडर्मेटा के बाद के सभी फाइलम्स आ जाते हैं, इन सबके एनिमल यहाँ पे इंक्लूडेड है। प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलहेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। तो अगर पूछा जाए कि ह्यूमन कौन सा सिमेट्री शो करते हैं तो यहाँ पे बाइलेटरल आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉर्डेटा में हम लोग इंक्लूडेड है। तो आप सभी के एग्जाम्पल को फोकस करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आपको फाइलम का नाम दे दिया जाए तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो बायलैटरल शो कर रहा है या नहीं शो करता है, इनमें से इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम अगर बात करें नेचर ऑफ सेलोम की या फिर बॉडी कैविटी की, इनके बेसिस पे एनिमल को कैसे डिवाइड किया गया, तो सबसे पहली बात कि बॉडी कैविटी या फिर सेलोम होता क्या है। तो ए फ्लूइड और एयर फिल्ड स्पेस जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक और आउटर जो हमारा बॉडी वॉल होता है, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक और बॉडी वॉल जो कि आउटर बॉडी वॉल है हमारा, उनके बीच में एक फ्लूइड फिल या फिर एयर फिल स्पेस प्रेजेंट होता है, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। तो इनके बेसिस पे एनिमल को कैटेगराइज किया गया। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिलोम होता ही नहीं है, यानी ये जो स्पेस है ये प्रेजेंट नहीं होता। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें ये फॉल्स सिलोम होते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ये सिलोम प्रेजेंट होते हैं। तो उनके बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया। तो पहला कैटेगरी हमारा है सिलोमेट। सिलोमेट ऐसे एनिमल्स इंक्लूड हैं, सिलोमेट्स ऐसे एनिमल को बोलते हैं जो कि ट्रू सिलोम शो करते हैं। मतलब कि इनका जो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक है, इनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, मेसोडर्म से लाइंड होगा, यानी मेसोडर्म टिश्यू जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे एनिमल में एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आ जाते हैं, यानी कि ह्यूमंस क्या है, इनमें ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें ए सिलोमेट की, तो ए सिलोमेट में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनमें बॉडी कैविटी जो एबसेंट है। ए से हम समझ सकते हैं, ए हम लोग मेनली एबसेंट केस में यानी नेगेटिव केस में यूज करते हैं। तो सिलोमेट क्या थे, जिनके पास ट्रू सिलोम है। तो ए सिलोमेट क्या हो गए, जिनके पास सिलोम है ही नहीं, एबसेंट है। तो इनमें हमारा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथस, ये कुछ ऊपर के फोर फाइलम्स जो हैं ये ए सिलोमेट कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें स्यूडोसिलोमेट की, तो स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है कि कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन उनमें क्या होता है कि ये जो कैविटी होती है वो क्या होती है, मेसोडर्म सेल से लाइंड नहीं होती है। मेसोडर्म सेल की जगह क्या होता है कि यहाँ पे स्कैटर्ड पाउच देखने को मिलते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो ये स्यूडोसिलोमेट यानी कि फॉल्स सिलोमेट शो करते हैं। तो इनमें एक ही फाइलम है हमारा जो है एस्केल हेलमेंथेस के फाइलम्स, जिनमें हम राउंड वॉर्म हमारे आ जाते हैं सभी के सभी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो स्यूडोसिलोमेट शो करते हैं। तो इनमें क्या होगा कि एस्केल हेलमेंथेस से एक ऑर्गेनिज्म होगा आपका, एक एनिमल होगा, बाकी इन सभी में से होंगे। तो बाकी इन सभी में से होंगे तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। और अगर पूछा जाता है कि इनमें से कौन स्यूडोसिलोमेट शो नहीं करते हैं तो क्या होगा, शो करते, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलोम और बॉडी कैविटी फॉर
क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, यहाँ पे एक और कंसेप्ट बनता है ट्रिप्टोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का। डिप्लोब्लास्टिक हम ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जिनमें दो ही जर्म लेयर देखने को मिलते हैं। जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मेसोडर्म, इस तरह से ये तीन जर्म लेयर देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे एनिमल डिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं उनमें मेसोडर्म एबसेंट होता है। तो मेनली यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को लिया गया। तो एसिलोमेट पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि बॉडी कैविटी जो वो क्या है एबसेंट है। ये हमारा गट है यानी डाइजेस्टिव ट्रैक दिखाया गया है, और फिर ये हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे एंडोडर्म और देन एक्टोडर्म और ये मेसोडर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कैविटी जो है वो एबसेंट है। तो ये हमारे एसिलोमेट एनिमल्स हो गए। फिर अगर हम बात करें सिलोमेट की, तो ये हमारा सिलोमेट है, ये भी मैंने बताया आपको सिलोमेट एनिमल्स है यहाँ पे। और ये हमारा सीडो सिलोमेट शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये स्कैटर्ड पाउच बन गए हैं। जहाँ पे मेसोडर्म सिल्क की यहाँ पे लाइनिंग होनी चाहिए था वो एबसेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ मेसोडर्म सिल्स की लाइनिंग है, यहाँ भी मेसोडर्म सेल्स है, पर यहाँ पे क्या है मेसोडर्म सिल्स जो है एबसेंट है। तो इस तरह से, और ये पाउच देखने को मिल रही है तो स्कैटर्ड पाउच के रूप में यहाँ पे ये सैक्स है। तो इस तरह से ये सीडो सिलोमेट शो कर रहे हैं। तो इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में आएंगे कि कौन से एनिमल है जो कि शो करते सिलोमेट ए सिलोमेट। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको इन फाइलम के एग्जांपल को प्रोवाइड किया जाएगा ऑप्शंस में। फिर हम बात करते हैं जर्म लेयर, जिससे मैंने अभी आपको बताया जर्म लेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं जर्म लेयर में मेनली थ्री जर्म लेयर्स हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। वो थ्री जर्म लेयर्स क्या हैं? तो एक्टोडर्म, देन हमारा मेसोडर्म, देन हमारा एंडोडर्म। तो इस तरह से थ्री जर्म लेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में। और इन्हीं थ्री जर्म लेयर से हमारे जितने भी टिश्यू ऑर्गन है सबका फॉर्मेशन होता है बॉडी में एनिमल्स के। तो डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में ऐसे एनिमल को रखा गया जिनके जिनमें सिर्फ दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर देखने को मिलते हैं, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म और अंदर वाला इंटरनल एंडोडर्म। इनमें क्या होता है कि जो मेसोडर्म है वो एब्सेंट होते हैं, और उनके जगह पे क्या होता है एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होता है जिन्हें हम लोग मेसोग्लिया बोलते हैं, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इनमें हमारे ऊपर के तीन फाइलम्स आ जाते हैं, इनके एनिमल्स इंक्लूड हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर ट्रिपल ब्लास्टिक की बात की जाए तो इनमें थ्री जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें मेसोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। इनमें हमारे बाकी सभी फाइलम आ जाते हैं नीचे से टीनोफोरा के बाद के, यानी कि प्लैटी हेलमेंथिस, एस्कल हेलमेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यानी कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस किस फाइल किस कैटेगरी में आ जाते हैं यहाँ पे, जिनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। अब हमें डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया ये हमारा आउटर लेयर है एक्टोडर्म, ये हमारा इनर लेयर है एंडोडर्म, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल यानी कि टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे मेसोग्लिया, जिसका नाम हम लोग रखे मेसोग्लिया बोलते हैं इसे हम। तो ये हमारा किस में आ जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में ये आ जाते हैं, जिनमें क्या है कि मेसोडर्म सेल्स की एब्सेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिडिल में मेसोडर्म प्रेजेंट है, ये हमारा आउटर एक्टोडर्म प्रेजेंट है, इनर एंडोडर्म प्रेजेंट है। तो ये तीनों ही लेयर हमारे इस सेल इस टाइप के टिश्यू में प्रेजेंट हैं इन सेल्स में। तो इसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में इंक्लूड किए हैं। ये सभी डायग्राम जो एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं। अगर हम बॉडी के सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी की सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी जो है एनिमल्स के वो डिवाइड किए गए एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होते हैं सेगमेंट्स में, जिनमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स के क्या होते हैं रिपीटेशंस देखने को हमें मिलते हैं। तो ये जो पैटर्न शो होता है बॉडी के सेगमेंटेशन का, इन्हें हम बोलते हैं क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फेनोमेना को जो एनिमल एग्जिबिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। यानी कि ये फेनोमेना कहलाता है मेटामेरिज्म, ये डिवीजन कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और जो एनिमल इन्हें शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटामेरिक एनिमल्स बोलते हैं। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो क्या होता है इंटरनल होता है, और ये फ्रिक्वेंटली हम देख सकते हैं किनमें एनिलिडा में हम देख सकते हैं। एनिमल एनिलिडा में क्या होता है ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। इनमें क्या होता है कि लीनियर सीरीज हमें सिमिलर पार्ट्स के सेगमेंट्स के हमें देखने को मिलती है बॉडी में।
कुछ मेटामेरिक एनिमल्स में सेगमेंटेशन होती है वो विजिबल होती है एक्सटर्नली, जैसे कि ऑर्थोपोड का एग्जांपल अगर हम ले तो इनमें क्या होता है बाहर से भी हम देख सकते हैं। फिर अगर वही कॉर्डेटा एग्जांपल में देखा जाए, हम कॉर्डेटा कैटेगरी फाइलम में देखें तो यहाँ पे क्या होता है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन सेगमेंटेशन जो है वो इंटरनली जो है वो एम्ब्रायो में प्रेजेंट होती है। अगर हम बॉडी प्लान की बात करें तो दो टाइप्स हमें बॉडी प्लान की याद रखनी होगी जिससे क्वेश्चन बनते हैं, कि प्रोटोस्टोमिक एक डिटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक में क्या है, ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें डेवलपमेंट के टाइम यानी एम्ब्रायोनिक जब डेवलपमेंट होती है तो पहले क्या होता है कि माउथ का फॉर्मेशन होता है एंड देन एनस का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे और एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है तो उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं प्रोटोस्टोमिक बॉडी प्लान कैटेगरी में। और इनमें हमारे राउंड वर्म्स आ जाते हैं यानी कि एस्किल हेलमिंथस, फिर एनालिड्स आ जाते हैं, मोलास्क आ जाते हैं, ऑर्थोपोड्स आ जाते हैं, ये सभी किस में आते हैं प्रोटोस्टोमिक में। फिर ड्यूटेरोस्टोमिक ऐसे एनिमल को बोलते हैं जिनका डाइजेस्टिव डेवलपमेंट यानी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम में पहले एनस का फॉर्मेशन होता है एंड देन माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें हमारे इकाइनोडर्म और कॉर्डेट्स आ जाते हैं। तो हम जो कॉर्डेट्स हैं ये क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिक है। हमारे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम में क्या होता है कि पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के टाइम में पहले एनस का फॉर्मेशन होता है देन माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम याद रखेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, फाइलम को डिस्कस करेंगे। तो फाइलम डिस्कस करने में हम देखते हैं पहले पॉरीफेरा फाइलम के बारे में। तो पॉरीफेरा फाइलम मेनली हम लोग इसमें इंक्लूड होने वाले एनिमल्स को हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। जनरली ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं और फिर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल में क्या होगा कि बोथ सेक्स प्रेजेंट होगी यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स हमें एक ही इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगे। तो इस फेनोमेना करने की इस जिसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ये एनिमल क्या है, हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। और फिर इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है डायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट हम ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं जिनमें क्या होता है यंग वन जो होंगे इनमें वो रिजेंबल नहीं करेंगे एडल्ट से, यानी कि इनमें क्या होता है कि यंग वन में ये लार्वा स्टेज में रहते हैं, फिर लार्वा का मॉडिफिकेशन यानी कि मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो चेंज हो जाते हैं और फिर वो एडल्ट बनते हैं। तो यहाँ जो यंग वन जो हमारा है वो लार्वा केस होता है, लार्वा देखने में बिल्कुल अलग होता है एडल्ट केस से। तो इससे ऐसे डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि यंग वन बिल्कुल एडल्ट जैसे ही होते हैं सिमिलर देखने में। तो जैसे कि रैबिट हम कॉर्डेट्स में क्या होते हैं, हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोगों में होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें मैक्सिमम इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पहले लार्वा का फॉर्मेशन होता है देन ये चेंज कर जाते हैं एडल्ट फॉर्म में। अगर हम पॉलीफेरा के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे साइकॉन, यूस्पॉन्जियर, स्पॉन्जिला जो है वो सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, ये क्या है, साइकॉन का डायग्राम है, ये पॉलीफेरा के ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड वाला डायग्राम आप देख सकते हैं ये क्या है, यूस्पॉन्जिया। थर्ड वन इज स्पॉन्जिकिला। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये भी स्पॉरीफेरा कैटेगरी का है। ये जो हमारा आप देख सकते हैं यूस्पॉन्जिया जो कि यहाँ पे है ये मेनली क्या कहलाता है, इसे बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल अगर क्वेश्चन आ गए तो, कि बाथ स्पॉन्ज इनमें से किसे बोलते हैं। आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको चार्जे, तो यूस्पॉन्जिया आप याद रखेंगे नहीं, हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। और स्पॉन्जिला को हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्पॉन्ज, ये बाथ स्पॉन्ज ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाते हैं। ट्रेटा, सिलेंट्रेटा की बात करें हम तो ये नाइजेरिया भी इन्हें हम बोलते हैं। इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक तो होते हैं लेकिन मोस्टली मरीन होते हैं यानी कि मरीन एक्वेटिक टाइप के इसमें ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। ये तो सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सेसाइल कहने का मतलब है किसी सबस्ट्रेटम से ये अटैच होकर के अपना लाइफ कंप्लीट करते हैं, मतलब सबस्ट्रेटम मतलब किसी बेस पे वो अटैच रहते हैं, मूव नहीं करते अपनी जगह से, तो वैसे को हम सेसाइल फॉर्म बोलते हैं। और फ्री स्विमिंग जो कि मैरीन है ये एक्वेटिक होते हैं, तो वाटर में क्या करते हैं ये फ्रीली स्विम करते रहते हैं। तो दोनों ही तरह के ये सिलेंट्रेटा जो है वो देखने को मिलते हैं। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, एक फॉर्म है पॉलिप और दूसरा फॉर्म है मेडूसा। तो ये जो पॉलिप फॉर्म होता है ये क्या होता है, ये सेसाइल फॉर्म होता है। हमारा पॉलिप फॉर्म क्या है, सेसाइल फॉर्म है। और मेडूसा फॉर्म क्या है, हमारा फ्री स्विमिंग फॉर्म है। तो पॉलिप में हमारा इंक्लूड हो जाता है हाइड्रा, एडमेसिया, ये जो एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे
पॉलिप फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये पॉलिप का डायग्राम है। ये क्या है, सेसाइल है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहेंगे। फिर मेडूसा फॉर्म जो, यानी कि जिसका एग्जाम्पल ऑरेलिया या फिर जेली फिश जिन्हें हम बोलते हैं, वो क्या है, वो हमारे शो करते हैं फ्री स्विमिंग फॉर्म, ये रहे जेली फिशेस। ये जेली फिशेस क्या है, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं वाटर में, और इनमें देखने को बहुत ही स्पेशल स्पेसिफिकेशन देखने को हमें मिलती है जिन्हें हम बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं सिलेंट्रेट में जो कि दोनों ही फॉर्म में, पॉलिप और मेडूसा दोनों ही फॉर्म शो करते हैं अपने लाइफ साइकिल में। मतलब एक बार पॉलिप फॉर्म में रहते हैं यानी सेसाइल में रहते हैं, और फिर वही खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं मेडूसा फॉर्म में, यानी कि फ्री स्विमिंग बन जाते हैं। तो इस तरह से वो दो पैटर्न शो करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, इस दो पैटर्न को शो करते हैं अपने लाइफ साइकिल में, तो इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन शो करते हैं। तो वहां पे आपको एग्जाम्पल डिफरेंट फाइलम से मिलेंगे, उनमें से एक एग्जाम्पल आपका नाइडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा फाइलम से देखने को मिलेगा। तो सिलेंट्रेटा फाइलम से जो एग्जाम्पल होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। दो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं ऑर्गेनिज्म अल्टरनेट करके, पहले सेसाइल फॉर्म फिर वो फ्री स्विमिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से डिफरेंट वैरायटी एनिमल की फॉर्म होती है। और इस डिफरेंट वैरायटी की जो एक स्पीशीज डिफरेंट वैरायटी शो करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा फाइलम या फिर कौन से एनिमल है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, तो उनमें भी हमारा आंसर सिलेंट्रेटा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान में रखेंगे, फाइसेलिया, एडमेसिया, गॉर्जिगोनिया और मेंड्रिना, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, सिलेंट्रेटा के। यहाँ पे आपको डायग्राम शो किया गया है। फाइलम का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि एक सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक जो कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम नाइटोब्लास्ट बोलते हैं। ये एनिमल क्या करते हैं, अपने डिफेंस और ऑफेंस के लिए यूज करते हैं जो कि इनके टेंटेकल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये नाइडोब्लास्ट किस में पाए जाते हैं, सिलेंट्रेटा में। इसी नाइडोब्लास्ट से इन एनिमल का नाम रखा गया है नाइडेरिया। तो ये स्पेशल कैटेगरी आपको पूछा जा सकता है, नाइडोब्लास्ट किन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टिंगिंग सेल्स जो कि यू किन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सिलेंट्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। पूछा जा सकता है कि ये किस लिए ये ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, तो ये अपने ऑफेंस और डिफेंस के लिए ये यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट फाइलम, दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कॉम्ब जेलीज या फिर सी वॉलनट। और ये क्या होते हैं, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ये भी क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी इनमें भी सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होती हैं, एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही तरह के सेक्स देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल होगा यानी कि बाहर होगा बॉडी के, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी यानी कि यहाँ भी जो यंग वन और एडल्ट है वो रिजेंबल नहीं करेंगे एक दूसरे से, लार्वा का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना जो है इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एट कॉम्ब प्लेट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, एट कॉम्ब प्लेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पूछा जा सकता है कितने कॉम्ब प्लेट्स, तो आप कह सकते हैं कि एट कॉम्ब प्लेट्स देखने को मिलते हैं। फिर हम नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लैटी हेलमिंथिस। प्लैटी हेलमिंथिस में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखे हैं, ऐसे एनिमल्स को रखे हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो फ्लैट टाइप का होता है। डॉर्सली और वेंट्रली इनका जो बॉडी है फ्लैटेंड होता है, इसलिए हम लोग फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन में प्लैटी हेलमिंथिस नहीं लिख के आपको फ्लैट वॉर्म भी लिखा रह सकता है, तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि बात हो रही है किस फाइलम की, प्लैटी हेलमिंथिस की। मोस्टली क्या होते हैं, एंडो पैरासाइट्स होते हैं, ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट हम ऐसे एनिमल को बोलते हैं जो कि अपना सारा न्यूट्रिशन किसी होस्ट के थ्रू लेते हैं, तो इन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। तो ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट के अंदर ये रहते हैं। ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल फीमेल सेक्स दोनों ही एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल होगी, डेवलपमेंट यहाँ भी इनडायरेक्ट ही होगा। इसके एग्जाम्पल है टेनिया सोलियम और फेस्क्यूला, इसका एग्जाम्पल है, जिन्हें हम लोग लीवर फ्लूक बोलते हैं। और ये टेनिया सोलियम जो कि कहलाता है क्या, टेप वॉर्म, क्योंकि देख सकते हैं आप ये टेप की तरह है और ये बहुत ही लंबा होता है, और ये बिल्कुल ही अपने साइज को कंप्रेस करके हमारे यानी कि ह्यूमन बॉडी में भी ये रहते हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम की बात करें अगर, तो एस्कल हेलमिंथिस की बात करते हैं। एस्कल हेलमिंथिस में
को हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है वो सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शन देखने को मिलती है। अगर इस एनिमल को हम काटें तो यहाँ पे ये राउंड शेप में होते हैं, क्रॉस सेक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए एस्किल हेलमिंथस के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं राउंड वर्म। ये फ्री लिविंग होते हैं, ये एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों ही, ये फ्री लिविंग होते हैं और ये एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल पैरासाइटिक होते हैं। एनिमल्स और प्लांट दोनों में ही ये देखने को मिलेंगे। ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है कि सेक्स जो वो सेपरेट होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस कहने का मतलब जहाँ दोनों ही सेक्स अलग ऑर्गेनिजम्स अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो। अगर मोनोशियस लिखा रहेगा तो फिर वो हर्माफ्रोडाइट केस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल। इसमें फीमेल जो है वो जनरली लॉन्ग होती है, मेल जो है वो शॉर्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ भी इंटरनल होगी और डेवलपमेंट है वो क्या होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है एस्केरेसिस, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी और एनक्लाइस्टोमा। तो ये सभी जो है वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। राउंड वर्म वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी को हम लोग फैलेरियल वर्म बोलते हैं, इससे फैलेरिया डिजीज कॉज होती है। एंक्लाइस्टोमा जिसे हम लोग हुक वर्म बोलते हैं, तो ये सभी डिजीज कॉजिंग ये वर्म्स हैं, ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं अगर प्रेजेंट होते हैं तो। तो इस तरह से ये एस्किल हेलमिंथस का एक ब्रीफ ओवरव्यू। नाउ मूविंग टू एनिलिडा फाइलम। एनिलिडा फाइलम, एनिलिडा का मतलब ही होता है रिंग्स, जो कि एनिलिडा की बॉडी से रिजेंबल करता है। लगता है ऐसे कि इनका जो बॉडी है वो बहुत ढेर सारे रिंग्स को फ्यूज करके बनाया गया है। तो इसीलिए इस फाइलम का नाम एनिलिडा रखा गया है। ड्यू टू द प्रेजेंस ड्यू टू द रिजेंबलेंस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर लाइक लिटिल रिंग्स फ्यूज इन ए सीरीज। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये रिंग जैसा दिखता है हमें यहाँ पे रिंग जैसा देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं छोटे 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 पतले पतले लाइंस देख सकते हैं, ये रिंग्स जैसे देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए एनिलिडा कहना है। ये एनिमल एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों होते हैं। एक्वेटिक होंगे तो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिलेंगे। फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी पैरासाइटिक भी होते हैं। बॉडी सरफेस जो है उनका डिस्टिंक्टली मार्क्ड होता है, क्योंकि सेगमेंट्स और मेटामर्स शो करते हैं, सेगमेंट में डिवाइडेड होते हैं और डिवाइड होने की वजह से ये क्या होते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं, इसीलिए इन्हें हम मेटामर्स भी बोलते हैं। फिर इनमें एक एग्जाम्पल है हमारा नेरिस, जो कि एक्वेटिक फॉर्म है, जो क्या होता है डायोशियस होता है, यानी कि इनमें क्या होता है सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, मेल फीमेल देखने को मिलेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है नेरिस का, ये क्या एक्वेटिक फॉर्म है। फिर लीच जो है हमारा, ये एक्वेटिक फॉर्म नहीं है, ये मोनोशियस शो करता है। कहने का मतलब है कि ये क्या होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। पैरेथ्रम्पोस्टमा जो हमारा ऑर्गेनिज्म एनिमल है, ये जिन्हें हम अर्थ वॉर्म बोलते हैं, ये एनिलिडा कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर लीच जिन्हें हम बोलते हैं हिरोडिनारिया, ये क्या है, ब्लड सकिंग लीच होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जहाँ पे अटैच अगर हो गए ये तो ब्लड को सक कर जाते हैं। तो इस तरह से ये एनिलिडा के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा हमारा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि 2/3 ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें एनिलिडा फाइलम में ही, ऑर्थोपोडा फाइलम में ही देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल फाइलम का लार्जेस्ट फाइलम क्या है, तो एनिलिडा ऑर्थोपोडा कहलाएगा हमारा। और अगर इनमें से एग्जांपल्स कुछ दे दिए जाए ऑर्गेनिजम्स के और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म लार्जेस्ट फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इनका जो बॉडी होता है, एक्सोस्केलेटन बॉडी की जो कवरिंग होती है वो काइटिनस टाइप की होती है, कवर होती है, और फिर ज्वाइंट अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि जो इनके अपेंडेजेस, यानी कि जो यहाँ के इनके पैर होती है, जो होते हैं आपके अपेंडेजेस हैं, ये सभी क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं बॉडी से। फिर क्या होते हैं, डायोशियस होते हैं। ये कहने का मतलब है कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होता है कि इंटरनल होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही केस देखने को यहाँ पे हमें मिलेगी। तो याद रखें, ऑर्थोपोडा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट इसमें आ जाते हैं, जैसे कि हनी बी, सिल्क वॉर्म, ब्लैक इंसेक्ट, ये सभी। और फिर हमारा जो मॉस्किटो है, जो कि मलेरिया कॉजिंग होते हैं, एनोफिलस, क्यूलिक्स, एडिस, ये सभी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं किसमें, ऑर्थोपोडा में। क्योंकि ऑर्थोपोडा जो फाइलम हमारा, ये मेनली क्या करता है, इंसेक्ट करता है, इंसेक्ट को इंक्लूड करता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा फाइलम्स, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ इंक्लूडेड है, इसलिए ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहला डायग्राम ये है लोकस्ट का डायग्राम, द सेकेंड वन इज बटरफ्लाई एंड थर्ड वन इज स्कॉर्पियन एंड ये हमारा प्रॉन है। प्रॉन हमारा ऑर्थोपोडा कैटेगरी यानी ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है।
नाउ हम मूव करते हैं मोलस्का फैमिली पे। मोलस्का हमारा क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था ऑर्थोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा जाए तो मोलस्का है। इनमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही फॉर्म के एनिमल देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक में मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी की कवरिंग होती है वो कैल्केरियस शेल की बनी हुई होती है। ये डायोशिस होते हैं। डेवलपमेंट की हम अगर बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। यहाँ एग्जाम्पल की हम बात करें तो पाइला इसका एग्जाम्पल है, एपल स्नेल जिसे बोलते हैं, फिर पर्ल ऑयस्टर, ये सभी लोलीगो, ये सभी क्या है ऑक्टोपस, ये सभी क्या है इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, पहला डायग्राम आपको दिखाया गया, ये पाइला है और ये ऑक्टोपस आप देख। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइलम हमारे काइनोडर्मेटा, तो इसके एनिमल्स जो है वो मेनली मरीन होते हैं। इनकी बॉडी स्पाइनी होती है, यानी स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी पे, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। यहाँ पे सिक्स के सेपरेट देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल होगी, यानी कि मरीन है यानी कि वाटर में रहते हैं, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन वो वाटर में होगा। डेवलपमेंट यहाँ भी इनडायरेक्ट देखने को मिलेगी। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे स्टारफिश, जिन्हें हम लोग स्टेरसिस बोलते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा फाइलम में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, ऐसे एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कॉर्डेट्स की और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की, यानी कि जो कॉर्डेट नहीं है। इसीलिए इसका नेमिंग भी आप देख सकते हैं, हेमी। हेमी मीन्स होता है हाफ हमारा, यानी कि इन्हें हम हाफ कॉर्डेट बोलते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं वो स्मॉल ग्रुप वॉर्म लाइक होते हैं। इनका जो एनिमल, ये जो एनिमल होते हैं वो वॉर्म लाइक होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो मेरीन होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, डायोशियस कैटेगरी में डिफाइन होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, क्योंकि ये सभी एनिमल मरीन हैं तो वाटर में होगा। हम ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। फिर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी पहले लार्वा स्टेज देन एडल्ट फॉर्म देखने को मिलेगी आपको, यानी सब मेटामॉर्फोसिस सभी शो करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल बेलानोग्लोसिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड देन सैकोग्लोसिस। तो यहाँ पे डायग्राम आपको शो किया जा रहा है, यहाँ पे पिक्चर शो की गई है बेलानोग्लोसिस की। तो ये जो एनिमल है ये क्या, हेमिकॉर्डेट है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉर्डेट फाइलम, दैट इज द लास्ट वन फाइलम। दिस एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करती है। आपको क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉर्डेटा का नहीं है। तो ये तीन कैटेगरी ऑप्शन होंगे, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन में होंगे, और एक कैरेक्टरिस्टिक आपका कुछ और होगा जो कि नहीं बिलोंग करना पूछा जाए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेटा का, तो इनमें से कोई एक होगा और बाकी कुछ अलग होंगे। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। आप ये देख सकते हैं ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, ये होगा हमारे कॉर्डेट्स में। फिर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फिर नोटो कॉर्ड का प्रेजेंट, ये नोटो कॉर्ड है हमारा, ये आप देख सकते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है, यही आगे जाके हम एडल्ट्स में यानी कि हम ह्यूमंस में क्या होते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज कर जाते हैं। फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स ये क्या है, ये तीनों ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेट की। और अगर फाइलम कॉर्डेटा की बात की जाए तो इसे थ्री फर्दर थ्री फाइल सब फाइला में डिवाइड किया गया, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में हम ह्यूमंस इंक्लूडेड हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें अगर तो लैंसलेट यानी कि एम्फियोक्सिस भी जिसे हम बोलते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा, ये क्या सिफाइलो कॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, और सेल्पा जो है हमारा यूरो कॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। अब ये क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा फाइलम की है, यानी जो लास्ट फाइलम हमारा है एनिमल किंगडम का कॉर्डेटा, जो कि काफी ब्रॉड फाइलम अपने आप में है, इसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक फ्लो चार्ट शो किया जा रहा है जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे इसके सब फाइलम के बारे में। तो तीन सब फाइलम जैसा कि मैंने अभी कहा, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा। यूरो कॉर्डेटा में कैसे कॉर्डेट्स को रखा गया, ऐसे कॉर्डेट जिनमें नोटो कॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंट होता है, ऐसे एनिमल्स को हम यूरोकॉर्डेटा में रखे हैं। फिर सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इनमें जो सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है कि हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनके थ्रू आउट लाइफ यानी कि इनकी पूरी लाइफ में। यहाँ पे क्या था,
बस लार्वल टेन में लार्वा स्टेज में देखने को मिली थी, और सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट लाइफ क्या होता है कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस देखने को मिलता है, तो ये सिफेलोकॉर्डेटा हो गए। फिर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, एस्काइडिया और सेल्पा ये सब जो एग्जाम्पल है किसके हैं, यूरोकॉर्डेटा का। सिफेलोकॉर्डेटा का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस या फिर ब्रैंकियोस्टोमा जिसे बोलते हैं लैंसलेट, तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे हम। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो इनमें इनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ऐसे एनिमल जिनके में जॉ नहीं प्रेजेंट होते और एक ऐसे जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। फिर जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं यानी ऐसे एनिमल जिनमें जॉ का प्रेजेंस देखने को देखा गया है जिन्हें हम लोग बोलते हैं न्याथोस्टोमाटा, तो इनको फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, एक पाइसेस फैमिली है, एक जिनमें हम जिनमें एनिमल्स जो होते हैं उनको बियर क्या करते हैं फिन्स फिन्स होती हैं जिनमें हम लोग मेनली जितने भी फिशेज हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं, और फिर टेट्रापॉड में जिनको जिनमें लिम्स पाई जाती हैं, पॉड मीन लिम्स, टेट्रा मीन्स फोर लिम्स, तो इन एनिमल्स में क्या होते हैं फोर लिम्स देखने को मिलती है, तो ये टेट्रापॉड्स। टेट्रापॉड्स में एम्फीबिया रेप्टिलिया एव्स एंड मैमल्स इंक्लूडेड है, और पाइसिस कैटेगरी में क्या है कॉन्ड्रिस्टिस और ऑस्टिस्टिस को इंक्लूड किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास हमारा जो है साइक्लोस्ट्रोमाटा। साइक्लोस्ट्रोमाटा ऐसे एनिमल है जो कि जिनमें जॉ नहीं प्रेजेंट होते, यानी कि एक नेथोस्टोमाटा जो हमारे कैटेगरी थी उससे ये बिलोंग करते हैं, कौन, तो साइक्लोस्ट्रोमाटा, तो इनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो इन ये क्या है एक्टोपैरासाइट होते हैं, इनका जो बॉडी होता है इलॉन्गेटेड होता है, इनमें 6 से 15 पेयर के गिल स्लिट देखे जाते हैं, ये सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है इनका, यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, और फिर इनकी जो बॉडी होती है इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होती हैं। ये मरीन होते हैं लेकिन ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग टाइम में फ्रेश वाटर की ओर, और फिर इनका जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस से ये क्या कर जाते हैं वापस चले जाते हैं कहाँ, तो फिर से ये सी में यानी ओशन में ये चले जाते हैं। तो इस तरह से ये साइक्लोस्टोमाटा जो कैटेगरी है जिनके पास जॉ नहीं होते हैं। इनका एग्जांपल की बात करें तो पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प प्रे और फिर हैग फिश जो है मेन एग्जांपल है, ये जॉलेस वर्टिब्रेट कहलाते हैं। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं पेट्रोमाइजोन की जो कि एक जॉलेस वर्टिब्रेट है, एक नेथोस्टोमाटा कैटेगरी से बिलोंग करता है जिन्हें हम लोग साइक्लोस्टोमाटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास इज कॉन्ड्रिस्टिस। ये कॉन्ड्रिस्टिस क्या है, तो ये कार्टिलेज फिशेज हैं, ये हमारे जिन ऐसे और ऐसे वर्टिब्रेट जिनके पास जॉ प्रेजेंट होते हैं उन कैटेगरी में ये इंक्लूडेड हैं। इनका जो स्किन है वो टफ होता है और कंटेन करते हैं प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लेकॉइड स्केल किन में पाए जाते हैं, तो ये हमारे ये कैटेगरी के फिशेज आ जाते हैं जिसका एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन जिसे हम लोग डॉग फिश बोलते हैं, जिसका डायग्राम आप ये ऊपर वाला देख सकते हैं, और सेकेंड वन इज हमारा सॉफिश, और फिर ग्रेट व्हाइट शार्क जो होते हैं ट्राइगोन स्टिंग रे, ये सभी क्या है कॉन्ड्रिस्थिस के एग्जांपल्स हैं। इनके पास जॉ प्रेजेंट होते हैं, ये वर्टिब्रेट के इस क्लास को बिलोंग करते हैं। ये मेरीन होते हैं और इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रीम लाइन बॉडी है इनका, और नोटोकॉर्ड यहाँ पे थ्रू आउट लाइफ देखने को मिलती है। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं लेकिन इनमें ऊपर कुलम यानी गिल स्लिट पे कवरिंग होती है ऊपर कुलम की, वो नहीं होती है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जैसे टॉर्पेडो इसका एक एग्जाम्पल है जो कि कॉन्ड्रिस्टिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, टॉर्पेडो जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। तो नीट में क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो इनमें से किस में देखा जाता है, तो इसका आंसर टॉर्पेडो होगा, आप ये नाम याद रखेंगे। बिलोंग किस फाइलम से करते हैं, तो कॉर्डेटा फाइलम की वर्टिब्रेट कैटेगरी में से कॉन्ड्रिस्टिस में जिनके पास जॉ प्रेजेंट है, जॉलेस है कि जॉ वाले हैं तो अब जॉ है इनके पास आप बोल सकते हैं। फिर ये क्या होते हैं पायोकिलोथर्मस होते हैं, सेक्स है इनका वो क्या होता है सेपरेट होता है यानी डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है, मरीन होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलती है। दूसरा क्लास इसी का है ऑस्टिस्थीस, ये मरीन भी होते हैं फ्रेश वाटर भी होते हैं लेकिन इनका जो बॉडी है वो क्या होता है बोनी एंडोस्केलेटन का होता है। इनका भी बॉडी क्या है स्ट्रीम लाइंड है, इनमें 4 पेयर प्रेजेंट होते हैं गिल्स के, लेकिन इनमें क्या होता है कि गिल्स जो है वो ऊपर कुलम से कवर होता है। तो कॉन्ड्रिस्टिस और ऑस्टिस्टिस में यही डिफरेंस है कि उनमें गिल्स लिट ऊपर कुलम से
कवर नहीं होता और यहाँ पे ऑपरकुलम से कवर होता है। इनका जो स्किन है ये शो करते हैं साइक्लॉयड यानी कि टेनॉयड स्केल्स को, उनमें प्लेकॉयड स्केल प्रेजेंट है, इनमें साइक्लॉयड स्केल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है जो कि इनके बायोन्सी को रेगुलेट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में कि एयर ब्लेडर किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये इन सब का नाम दिया रहेगा या फिर कुछ दूसरे एनिमल का, इनमें से कोई एक होगा, तो आपका वही ए वाले आंसर हो जाएंगे। एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे, खासकर जितने भी डायग्राम्स है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से, इनको आप बिल्कुल याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन इससे आएंगे। हिप्पोकैम्पस एंड कैटलाजी एग्जाम्पल, ये हिको कैंपस के एग्जाम्पल, जिसे हम लोग सी हॉर्स बोलते हैं क्योंकि देखने में हॉर्स जैसा लेकिन ये सी हॉर्स कहलाता है क्योंकि हॉर्स होता नहीं है। इनमें भी सेक्स क्या सेपरेट होते हैं, डायोशियस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है इनकी, ये ओविपेरस होते हैं मोस्टली और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखें यानी लार्वा स्टेज जो है वो नहीं होती है, यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया क्लास की। तो एम्फीबिया क्लास जो हमारा ये क्या है, ये दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं मतलब पानी में भी, और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे भी ये अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। इनके जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है, इनमें स्केल्स नहीं होते हैं। ईयर के पास एक टैम्पनम प्रेजेंट होता है, तो ये टैम्पनम कैटेगरी एम्फीबिया से बिलोंग करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो ओपन होते हैं कॉमन चैम्बर में, जिसे हम लोग क्लोएका बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है क्लोएका बिलोंग्स टू विच कैटेगरी विच क्लास, या फिर किन ऑर्गेनिजम्स में क्लोएका से क्या होता है कि यूरिनरी फंक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, तो ये एम्फीबिया हो जाएंगे। एग्जाम्पल याद रखेंगे टोड यानी बफूर, राना फ्रॉग, हाइला ट्री, सैलमेंडर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, फिर स्टायोफिस जो कि लिम्बलेस एम्फीबिया है हमारा, तो ये सब बिल्कुल याद रखेंगे एग्जाम्पल। ये भी डायोशियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल होती है, और फिर ओविपर डेवलपमेंट जो यहाँ पे क्या होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेशन यहाँ पे गिल, लंग और स्किन दोनों तरह से होती है, स्किन के थ्रू भी ये डिफ्यूजन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं, वाटर में होते हैं तो गिल्स के थ्रू करते हैं, तो इस तरह से ये तीनों तरह के रेस्पिरेशन को शो करते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर रेप्टिलिया की हम बात करें तो ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो करती है, ये क्या करते हैं क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, रेंगने वाले जो जानवर हैं उन्हें हम रेप्टिलिया क्लास में इंक्लूड की हैं। ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, इनकी जो बॉडी की कवरिंग होती है वो कॉर्निफाइड स्किन एपिडर्मल सेल्स स्केल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं पायोकिलोथर्म्स, मतलब ये भी क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्स यहाँ भी डायोशियस है, सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल होती है, ये ओविपेरस और डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं यानी कि यहाँ भी लार्वा एबसेंट होते हैं, लार्वा देखने को नहीं मिलते। इनका एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये हमारा कैमिलॉन, ये हमारा क्रोकोडाइल्स, ये केलॉन और ये नाज, ये सब क्या है कोबरा स्नेक, ये सभी क्या है सभी के सभी क्या है हमारे रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हम याद रखेंगे कि रेप्टिलिया जो है उनमें क्या कहते हैं एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्रीपिंग क्रॉलिंग टाइप होते हैं, इन पायोकिलोथर्म्स यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिर यहाँ पे एव्स यानी कि सेकेंड क्लास, नेक्स्ट क्लास जो हमारा है बर्ड्स, एव्स मीन्स बर्ड्स, तो इनमें प्रेजेंस ऑफ फेदर, फेदर इनका कैरेक्टरिस्टिक है, फेदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बर्ड्स में फोर लिम्ब जो है वो क्या होता है, तो वो मॉडिफाई होकर के विंग फॉर्म करता है। आपसे पूछा जाएगा विंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब्स। यहाँ पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनके टेल के बेस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लॉन्ग बोन्स इनके जो क्या होते हैं हॉलो होते हैं यानी कि एयर कैविटी इनमें होती है, न्यूमेटिक टाइप के होते हैं इसीलिए, ताकि वो फ्लाई जो करे तो लो वेट होगा क्योंकि हॉलो होंगे, इसलिए वेट बढ़ जाएगी तो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। क्रॉप और गिजार्ड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में कि क्रॉप और गिजार्ड किन में देखे जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल सीधे हम बर्ड्स हैं, जितने भी बर्ड्स के नाम होंगे क्रो, पैरट, पिजन, ऑस्ट्रिच जो कुछ भी है सभी के पास क्रॉप एंड गिजार्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडेड है। आपको क्रॉप, क्रो और पिजन नाम देखने को कम मिलेगा, आपको इसका साइंटिफिक नाम दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा पैवो, फिर नियोफ्रॉन, वल्चर क्ले, कोलम्बा जो कि पिजन का है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। रेस्पिरेशन यहाँ पे लंग्स में होती है और ये वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि होमोआयोथर्मस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, ओविपेरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओविपेरस कहने का मतलब है कि दे ले एग्स, एग देते हैं और फिर इनका जो है
हैचिंग के बाद इनका जो ऑर्गेनिज्म यानी जो यंग वन है वो प्रोडक्शन होता है। फिर इनके डायग्राम्स को देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिया खाएगा, ये वल्चर है आपका, ये हमारा क्या है तो स्ट्रूथियो है, और ये क्या है, ये भी हमारा पैरट है, और फिर ये हमारा क्या है पीकॉक पैवो। तो इस तरह से ये डायग्राम है। इन सबको आप याद रखेंगे ऑर्गेनिजम्स बर्ड्स के बारे में। फिर मैमेलिया जो हमारा लास्ट क्लास है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इनका जो हैबिटेट है ये डिफरेंट होता है, ये बहुत जगह पे पाए जाते हैं वैरायटी में। फिर इनमें इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग होती है। सेकेंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटर्नल ईयर का प्रेजेंट होना, यानी पिन्ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर। फिर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स के थ्रू, रेस्पिरेशन डायोशियस सेक्रेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यहाँ पे भी लार्वा केस नहीं होता है जैसे कि हम ह्यूमंस मैमल्स में आ जाते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन है जो कि ओवी पेरस है, यानी कि मैमल एकमात्र एक ही ऐसा मैमल है जो कि ओवी पेरस है, यानी कि एग ले करता है फिर भी वो मैमल है। तो वो कौन सा है, प्लेटीपस, जिसका ऑर्निथो रिंकस क्या है साइंटिफिक नेम है। तो आपसे ये क्वेश्चन नीचे में पूछा जा सकता है कि विच एनिमल इज ओवी पेरस और विच एनिमल इज एक्सेप्शन टू मैमेलिया केस। तो यहाँ पे आपका ऑर्निथोरिंकस क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये है मैमल, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर विवी पेरस, दे डोंट ले एग्स, बट ये ओवी पेरस है, ये एग ले करता है, तो ये मैमल का ये एक्सेप्शन है। फिर इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इन सबको आप याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम शो किया गया है, ऑर्निथोरिंकस यही हमारा क्या है डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसे हम बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। ये क्या है हमारा ब्लैनो पटेरा यानी कि ब्लू व्हेल, टेरोपस यानी कि ये हमारा क्या है बैट, ये है हमारा ब्लू व्हेल। तो इस तरह से ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि मैमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका एक्सेप्शन है डक बिल्ड प्लेटिपस जो कि एग ले करता है, फिर भी ये मैमल है हमारा। अब हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये की पॉइंट्स तैयार किए गए हैं मेनली नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म हुए हैं और हो सकते हैं, तो इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे कि बॉडी कैविटी, स्पॉन्जो कॉयल यानी कि बॉडी कैविटी जिसे हम सीलोम पहले मैंने बताया, तो उनमें स्पॉन्जो कॉयल बॉडी कैविटी को बोलते हैं। ये किन में प्रेजेंट होते हैं, तो पॉलीफेरा में, याद रख सकते हैं पॉलीफेरा को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं स्पॉन्ज, तो इससे रिलेटेड स्पॉन्जो कॉयल। फिर ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा कैटेगरी में जो बॉडी कैविटी देखने को मिलती है उसे हम लोग हेमोकॉयल बोलते हैं, ठीक। फिर सिंगल ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो कि हाइपोस्ट्रोम होता है, यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो देखने को मिलती है वो सिंगल ओपनिंग की होगी, मतलब ओपन सिर्फ एक साइड से होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं हाइपोस्ट्रोम बोलते हैं। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से, तो सिलेंट्रेटा से। तो हाइपोस्ट्रोम बिलोंग टू व्हाट, सिलेंट्रेटा फैमिली। फिर स्पॉन्जो कॉयल और जो कैनाल्स होते हैं हमारा इस पॉरीफेरा के, ये स्पॉन्जो कॉयल, इनकी लाइनिंग होती है, लाइनिंग होती है एक स्पेशल टाइप के सेल्स की, सेल्स से, जिन सेल्स को हम बोलते हैं क्वेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। तो पूछा जा सकता है कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट इन, आपके पास नीचे ऑर्गेनिजम्स के नाम होंगे यानी एनिमल्स के नाम, आपको पॉरीफेरा यानी कि स्पॉन्ज के जो एग्जाम्पल्स उनको चूज करना होगा, या फाइलम का नाम होगा तो पॉरीफेरा आपका आंसर होगा। ये स्पॉन्जो कॉयल स्पेशल टाइप के क्वेनोसाइट्स कॉलर सेल से लाइन किए हुए होते हैं। फिर स्केलेटन की बात करें तो स्पॉन्जीन फाइबर देखने को मिलती है जो कि स्पॉन्ज नाम से आप समझ सकते हैं पॉलीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है, स्पाइक्यूल्स। फिर स्केलेटन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, किस में, तो नाइडेरिया यानी कि सेलेंट्रेटा फैमिली में। स्पेशल इसका एक एग्जाम्पल है कोराल, जिनमें पाया जाता है ये कैल्शियम कार्बोनेट की स्केलेटन। फिर लोकोमोशन और फीडिंग के लिए यूज होता है ट्यूब फिट, ट्यूब फिट यूज किया जाता है लोकोमोशन और फीडिंग के लिए, किन एनिमल्स में, तो इकाइनोडर्माटा फैमिली के फाइलम के एनिमल्स में। हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी शो करते हैं प्लैटी हेलमिंथस के एनिमल, जिनका एक एग्जाम्पल है प्लानेरिया, प्लैटी हेलमिंथस जो कि फ्लैट वॉर्म है, प्लानेरिया एक एग्जाम्पल है इसका। ये शो करता है कि हाई रीजेनरेशन, रीजेनरेशन कहने का मतलब है कि इनका कोई बॉडी पार्ट है जो अगर डैमेज हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उनका फॉर्मेशन फिर से होगा, रीजेनरेट करेंगे ये। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाई रीजेनरेशन किस में देखा जाता है, किस फाइलम में, तो प्लैटी हेलमिंथस में। अगर ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल का नाम होगा तो प्लानेरिया आपका एनिमल हो जाएगा। लाइट इमिटिंग एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं, जहाँ जाएंगे लाइट इमिशन इनके बॉडी से होती है। तो ये सेलेंट्रेटा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो बायोल्यूमिनेंस हो जाएगी। पूछे बायोल्यूमिनेंस कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, तो फाइलम का नाम होगा तो सिलेंट्रेटा हो जाएगा, और नहीं तो इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जाएंगे, आपको फाइलम के एग्जाम्पल्स से चूज करना होगा। फिर अगर पूछा जाए बॉडी जिनका होता है उसमें सिलिएटेड एट एक्सटर्नल रोज पाए जाते हैं, तो अभी मैंने बताया था पढ़ाते समय ये क्या होंगे, ये हमारे कॉम प्लेट्स कहलाते हैं। जब सिलेंट्रेटा के बारे में मैं डिस्कस कर रही थी तो मैंने बताया था कि एट कॉम प्लेट्स पाए जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कॉम प्लेट्स किस में पाए जाते हैं, तो ये भी सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं। फिर पॉलीमॉर्फिज्म कौन शो करते हैं, तो सिलेंट्रेटा। मैंने बताया कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को भी कौन शो करते हैं, तो सिलेंट्रेटा। फिर उसके बाद बात आती है बैलेंस ऑर्गन की, तो स्टेटोसिस्ट नाम का एक बैलेंस ऑर्गन होता है जो कि ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। अगर ह्यूमन के केस की बात की जाए तो ह्यूमन में ईयर जो है हमारा वो क्या है, बैलेंस ऑर्गन है। तो अगर पूछा जाएगा कि ईयर बैलेंस ऑर्गन इन ह्यूमंस क्या है, तो ईयर होगा इसका आंसर। फिर फूड रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला मोलस्का में प्रेजेंट होता है, ये रेडुला नाम का एक ऑर्गन जो जिससे वो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं और फिर ईट करते हैं। तो ये रेडुला, स्टैटोसिस्ट, कॉम्प्लेट, बायोल्यूमिनेंस, फिर ट्यूब फिट, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जो कॉलर सेल्स, हाइपोस्टोमी, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, आपको याद रखना है किस फाइलम से बिलोंग करता है और है क्या ये मेनली। फिर बात करते हैं हम नाइडोब्लास्ट की, जो कि मैंने कहा था कि नाइडेरिया फैमिली यानी फाइलम यानी कि सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। तो स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं या नेमेटोसाइट से भी इन्हें बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बॉडी के और टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑफेंस और डिफेंस में अपना फंक्शन शो करते हैं, मैंने बताया था। फिर एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन आने के चांस है। प्लेटिहेलमिंथस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो फ्लेम सेल के थ्रू। एनेलिडा में नेफ्रिडिया, ऑर्थोपोडा में मोलस्क, ऑर्थोपोडा में मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, जैसे कि हमारा कॉकरोच जो बेस्ट एग्जांपल है ऑर्थोपोडा का, इनमें जो है एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो मेलफिगियन ट्यूब्यूल से होता है। फिर ऑर्थोपोडा अगर एक्वेटिक है मानी पानी में रहने वाले हैं, तो उनमें जो एक्सक्रीशन होगा वो ग्रीन ग्लैंड से होगा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है एक्वेटिक ऑर्थोपोड में एक्सक्रीशन कैसे होगी, तो ग्रीन ग्लैंड से। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस के थ्रू होता है एक्सक्रीशन, और एस्केल हेलमिंथस में एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से फ्लेम सेल, रेफ्रिडिया, मेलफिगिन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, प्रोबोसिस, ये सब याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे कहीं भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। फिर फूड और रेस्पिरेशन की अगर बात करें, तो रेस्पिरेशन के लिए और फूड के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन विच फाइलम, तो इकाइनोडर्मेटा, नहीं फाइलम नहीं होंगे, फाइलम में से एनिमल के नाम दिए होंगे ऑप्शन में आपको, तो वहां से आप चूज कर लेंगे, क्योंकि आपको याद रखना होगा सभी फाइलम के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स जो कि मैंने अपने स्लाइड्स में जिनका डायग्राम शो किया उन एग्जाम्पल्स के बारे में नेम के रूप में मैंने मेंशन किया, उन सभी एग्जाम्पल्स को आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चंस वहां से आएंगे। फिर यहाँ पे फूड और रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन का भी ऑर्गन क्या है, तो वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहाँ यूज होता है, तो ये पॉरीफेरा यानी पहला फाइलम जो हमारा था वहां पे एक्सक्रिएशन के लिए अगर पूछा जाए पॉरीफेरा में एक्सक्रिएशन किसके थ्रू, तो वाटर कैनाल सिस्टम। रेस्पिरेशन भी इसी वाटर कैनाल से होता है, फूड टेकिंग भी इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है। फिर अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया फैमिली में रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो नाइडेरिया में रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है, तो मेंटल कैविटी के थ्रू होती है। ये मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है इनके बॉडी में, एक कैविटी जिसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन दोनों ही होता है। फिर बुक लंग, बुक गिल और ट्रैकियल सिस्टम, इन तीनों तरह के सिस्टम से रेस्पिरेशन ऑर्थोपोडा में देखने को मिलती है। तो हम याद रखेंगे एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल, नेफ्रिडिया, मेलफिगिन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड, प्रोबोसिक्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब, फिर वाटर कैनाल सिस्टम और फिर यहाँ पे मेंटल कैविटी, सभी एक्सक्रीशन में यूज होते हैं। किन किन फाइलम में उनके एग्जाम्पल को हम याद रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो था बेसिक और बहुत ही बेस्ट की पॉइंट्स था, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आने के चांसेस हैं। और फिर जो मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था अपने स्लाइड्स में सिलोम के बारे में, ए सिलोमेट कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिलोमेट हैं, फिर बॉडी की सिमेट्री के बेसिस पे, तो ये सब आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन जो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म का होता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो बीच में कौन सा अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो मेसोग्लिया बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, आपको बिल्कुल याद रखना होगा। और एक बार आप यहाँ पे फाइलम्स के नाम दिए गए हैं, इसे आप क्या करें, ऑर्डर में याद कर ले ऊपर से नीचे तक, पहले कौन से फाइलम है, बाद में कौन से फाइलम है,
और एक बार एनसीईआरटी बुक को रेफर करें, वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, वैसे मैंने सभी की पॉइंट्स को नोट कर दिया है, क्वेश्चन वहीं से आएंगे, कुछ क्वेश्चन अलग से नहीं बनेगा आपका, लेकिन फिर भी आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, अच्छा होगा। और ये लास्ट रिविजन वीडियो है जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, तो आप इससे रिवाइज करें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बार पढ़ ले, दो बार देख ले, बिल्कुल याद हो जाएगा आपसे, खासकर की पॉइंट्स पे फोकस करें, और शुरू में जो मैंने लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के जो बेसिस को डिस्कस किया उन पे फोकस करें, एग्जाम्पल पे फोकस करें, जो डायग्राम के थ्रू है वो उसे एग्जाम्पल को बिल्कुल भूले ना, लिखे हुए एग्जाम्पल पे भी फोकस करें। सो आई होप आज का जो क्लास है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और आपको समझ में आई होगी सारी बातें, सारे कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे, और अगर किसी भी तरह की डाउट अभी भी है तो आप जरूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर हेल्पफुल था ये वीडियो तो भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड मोर, थैंक यू सो मच।